ચેનલ સુરત પર હું મિત આપ સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત કરું છું. ઘણીવાર આપણે ટીવી સિરિયલ્સમાં અને ટીવી પર જ્યારે કોઈ આર્ટિસ્ટને જોઈએ અને આર્ટિસ્ટ આપણી સમક્ષ આવી જાય ત્યારે આંખો આપણી એકદમ પોડી થઈ જતી હોય છે. કંઈક આવું જ મારી સાથે થયું છે અને તમારી સાથે પણ થવાનું છે, કારણ કે લાફ્ટર ચેલેન્જના એક પાર્ટિસિપેન્ટ આજે આપણી સાથે છે, જેમને ખૂબ જ હુલામણા નામે આપણે સૌ ઓળખીએ છીએ, રાજા રેન્ચો. આ સરસ મજાની જોડી મારી સાથે છે અને રેન્ચોએ તો બરાબર મને ક્યારનું ઓબ્ઝર્વ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. રાજાજી, સૌથી પહેલે તો બતાઈએ કે આપકે જો યે દોસ્ત હૈ વો ઇનકે સાથ આપકા જો રિલેશન હૈ ફ્રેન્ડશિપ હૈ વો કૈસી હૈ. પહેલે તો સૌથી પહેલે આપણે દર્શક છે ગુજરાતની, હા સુરતની, અને સબકો હમારા અરે ગુજરાત મેં બોલના હૈ નહીં નહીં ઇતની ચિત્ર આતી નહીં તો આયા ક્યું ઇધર નહીં નહીં ઠેર યે બાદ મેં બાત કરતે હૈ. तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण, राम राम और नमस्कार. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और स्वागत है आपका. जी वेल, अब रेंचो जी आपसे सवाल है कि आपके ये जो दोस्त हैं वो कैसे हैं? अच्छा नहीं है यार. यार ऐसा मत बोल. नहीं सही बोल रहा हूँ ना यार. नहीं नहीं अच्छा अच्छा है, ऐसा बोल. अच्छा 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 ठीक है. मुझे ये बताइए कि आप दोनों की दोस्ती जब हुई और फिर आप लोगों ने टीवी शोज पे आने का, जब आपने लाफ्टर चैलेंज में जाने का सोचा, तो किस तरह की प्रिपरेशन की? उससे पहले आप क्या करते थे और किस तरह की लाइफ थी आपकी? उसके पहले सबकी, मतलब जैसे सबकी लाइफ होती है वैसे मेरी भी एक आम लाइफ थी. और मुझे याद है मैंने पहले स्कूल में शुरू किया था, 92 से मैंने शुरुआत की थी. फिर मैंने कॉलेज में शुरू किया इस आर्ट को. तब तक रेंचो मेरे साथ नहीं था, तब मैं मिमिक्री और स्टैंड अप कॉमेडी करता था. उसके बाद मैंने स्टॉक एक्सचेंज में मैंने जॉब शुरू किया. स्टॉक एक्सचेंज के बाद एक जगह मुझे एक दोस्त ने ऑफ़र किया कि एक रिसॉर्ट है वहाँ पर एक इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देना है आपको, 8 घंटे की ड्यूटी है और 3 घंटा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम देना है. तो मैंने वहाँ पर एक इंटरटेनमेंट का मतलब जॉब ही शुरू किया और वहाँ पर मैंने 5 साल जॉब किया रिसॉर्ट में, ग्रेट एस्केप वाटर पार्क वसई में है. हाँ वहाँ पर मैंने 5 साल जॉब किया और वहाँ पर फिर रेंचो से मुलाकात हुई. वहाँ पर क्या था कि हर एक अलग अलग आर्टिस्ट हर संडे सैटरडे कभी कभी आते थे. मैजिशियन हुआ, जगलिंग हुआ, फिर जादूगर हुआ, फिर गेम एंटरटेनर होते वो हुए, और कुछ कुछ ऐसे एक दो कभी साल में एक आध बार होली या दिवाली में एक आध छोटे स्टार टीवी मतलब स्टार कलाकार भी आते थे. तो उस वक्त एक ऐसे भी आर्टिस्ट आए जिनके पास पपेट था या फिर वो पपेट्री के साथ प्रोग्राम करते थे. तो मुझे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ रेंचो के साथ, वो पपेट के साथ काम करते हुए मैंने सीखा कि देखा उनको कि ये कैसे करते हैं. तो फिर मैंने धीरे धीरे रेंचो के साथ काम करना शुरू किया और दुआएं ऊपर वाले की. मुझे बचपन में शौक था कि ये पपेट बोलता कैसे, इसके लिए फिर जब मैंने लाइव देखा ये पपेट बोलता कैसे और ये बोलता है, तब मैंने सीखा कि ये मैं करने के लिए सीख सकता हूँ. तो फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की और सीख गया. वेरी नाइस, बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी स्टोरी आपने सुनाई. चलिए, आप रिसोर्ट में काम कर रहे थे, रिसोर्ट में आपका अच्छा एक करियर चल रहा था, फिर लाफ्टर चैलेंज में जाकर अपना हुनर दिखाने का आपको वो कहते हैं कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि जब हम कहीं पे जाके अपना हुनर दिखाना चाहते हैं तो बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, सबके सामने कैसा लगेगा. तो उस टाइम पर किस तरह की प्रिपरेशन की और फिर आप वहाँ पर गए? लाफ्टर वन में 2006 में आया था, तो लाफ्टर वन में मैंने कोशिश की थी. मुंबई में था, मुंबई का हूँ, तो मुंबई में एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जो स्ट्रगलर है या फिर जो मुंबई के बाहर रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि मुंबई में एक ग्लैमर है, मुंबई में सारी इंडस्ट्रीज़ बॉम्बे में है, मुंबई में है. तो मुंबई से बाहर जो होते हैं ना उनको कभी कभी पता चलने में दिक्कत होती, लेकिन आजकल रियलिटी शो इतने आ गए और वो भी अपनी एडवर्टाइजिंग करते कि आज यहाँ पर ऑडिशन है, कल यहाँ पर ऑडिशन है, कल वहाँ पर ऑडिशन. तो लाफ्टर चैलेंज के वक्त ऐसा नहीं हुआ था. लाफ्टर चैलेंज के वक्त बड़ी होर्डिंग्स लगी थी बॉम्बे में कि आप हंसा सकते हैं तो हंसाइए, आइए और ऑडिशन दीजिए. तो मुंबई का होने की वजह से मुझे वो तुरंत ये हुआ कि होर्डिंग्स लगी है, और मैंने पहले फ़ोन पे इंटरव्यू दिया
ऑडिशन दी, फिर मैंने ऑडिशन दिया, लेकिन उस वक्त जॉब होने की वजह से मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जॉब से छुट्टी लेना फिर वहाँ से ये करना, क्योंकि मुझे जॉब मैं छोड़ नहीं सकता था बेसिकली, जो भी मेरी सैलरी थी, जो भी सैलरी थी, कितनी थी बता तो सही है, नहीं है जो भी थी अच्छी खासी थी सैलरी। फोन है, फोन है, फोन है, भाभी का होगा। नहीं नहीं, भाभी का नहीं है यार, तो मेरा होगा यार। तो जो भी सैलरी थी, उठा रहा तो वो मैं उससे रिक्स नहीं लेना ले सकता था, क्योंकि तो लाफ्टर वन में मैंने उनके ऑडिशन के लिए फिर ज़्यादा मैं समय नहीं दे पाया, लेकिन सेकंड फर्स्ट लाफ्टर बहुत बूम हो गया, बहुत ही फेमस हो गया, एकदम छा गया। सेकंड में मुझे फिर कॉल आई नवंबर में कि हमारा ऑडिशन चल रहा है, आप आ जाइए। तो फिर दिसंबर मेरी फर्स्ट ऑडिशन हुई, और ऑडिशन पहले ही जब मैंने ऑडिशन दिया तब फर्स्ट में ही मुझे जो थे वहाँ के लोग, उनका कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पहले कैमरे के सामने ऑडिशन नहीं दिया था। अच्छा। मैंने वहाँ पर उस वक्त टेलीफोनिक ऑडिशन था, जो भी आपकी जोक्स है वो आप टेलीफोन पे सुनाइए, लेकिन टेलीफोन पे सुनाना और लाइव कैमरे के सामने दिखाना, ये क्योंकि मैं रेंचू के साथ काम करता था उस वक्त भी, तो उस वक्त मैं रेंचू के साथ क्या कर रहा हूँ ये दिखाना टेलीफोन में थोड़ा दिक्कत थी। तो जब मैंने सामने से ऑडिशन दिया तब सिलेक्शन हुआ, और दुआ ऊपर वाले की। अब हम वो आइटम सुनना चाहेंगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ लाफ्टर के फाइनल, जब उसमें आप ऑन स्टेज, जब आप लाइव, जब आपका रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, क्योंकि इसमें सिलेक्शन के दो तीन प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद आप स्टेज पे जाते हैं और फिर आप शिखर सुमन जी और सिद्धू जी को उस टाइम पे आप देख पाएंगे, तो मुझे वो पहला परफॉर्मेंस जानना है जिसकी वजह से आपका उस स्टेज पे जाने का तय हुआ। पहला परफॉर्मेंस मैंने ये किया अपना रेंचू के साथ, जैसे मैंने एंट्री ली तब सिद्धू जी एकदम शॉक हो गए कि, और शेखर जी को तो पता था वेंट्रिलोक्विस्ट क्या होती है, तो रेंचू जैसे आपने हाव भाव दिखाने लगा ऐसे वैसे ऐसे, अभी नहीं। अच्छा, मुझे लगा तू करने के लिए कह रहा। नहीं नहीं, अभी नहीं, वो मैं वहाँ की बात कर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शेखर जी एकदम प्रभावित हुए, सिद्धू जी तो उनसे ज़्यादा प्रभावित हुए। फर्स्ट एंट्री में तो पता ही नहीं चला सिद्धू जी को कि बोल कौन रहा। तब शेखर जी ने कहा कि ये जो आर्टिस्ट है राजकुमार, यही रेंचो की आवाज़ कर रहा है, और रेंचो अपना पार्ट, अपने एक्टिंग रेंचो कर रहा है और आवाज़ राजा दे रहा है। तब शेखर सिद्धू जी को थोड़ा ये हुआ कि या ये कला ऐसी है। तो फिर सिद्धू जी खुद सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री हुई, पांच चार एंट्री होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट एक एपिसोड में एक राउंड हुआ, सेकंड राउंड में शेखर सिद्धू जी खुद उठ के आए और रेंचो को किस किया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जजेस आके मतलब इतना हौसला अफजाई दे रहे हैं, तो उनसे फिर प्रोत्साहन मिला, ताकत मिली। और वो जो एक्ट था मेरा, वही रेंचो हिलडुल रहा था, और मैंने शेर व शायरी यूज़ की थी कि रेंचो हाँ यार, एक चीटी और हाथी की शादी क्या कर रहा है, तेरी कब होगी, होगी होगी यार, मेरी कब होगी, अरे होगी होगी यार, थैंक यू। तो चीटी और हाथी की शादी हो गई, हाँ, और बेचारा हाथी दूसरे दिन मर गया। माइक पकड़ना। अच्छा सॉरी। बेचारा हाथी दूसरे दिन मर गया, हाँ। तो चीटी ने कहा क्या, एक रात बिताई प्यार करने में, वाह, एक रात बिताई, बोलने दे, हाँ बोल लो, एक रात बिताई प्यार करने में, वाह, एक रात बिताई प्यार करने में, सारी उम्र बीत जाएगी इसकी कब्र खोदने में। तो ये इस तरह की कुछ शायरी थी जो हमने वहाँ पर पेश की थी। वेल, अब कुछ चंद सवाल हम रेंचो को पूछेंगे। रेंचो, आप तैयार हैं? बिल्कुल है? बिल्कुल। ठीक है रेंचो, ये बताइए आपके जो दोस्त हैं इनके बारे में अगर आपको तारीफ में कुछ कहना है तो आप तारीफ कैसे करोगे इनकी? तारीफ, 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 तारीख नहीं तो तारीफ, तारीफ मतलब मेरी मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तेरे बारे में अच्छा बोलो? नहीं नहीं, बोलो क्या मेरे के सामने, तो बोल। अच्छा अच्छा ठीक है। तुझे देखा तो एक ख्याल आया। किसे? तुझे। मुझे? हाँ, थैंक यू। बोलो। वाह 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 वाह। तुझे देखा तो एक ख्याल आया। वाह 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 वाह। पूछ सकता हूँ क्या? कौन सा ख्याल आया? पागल खाने के स्टॉक में नया माल आया। ठीक है रेंचो, आपने ये तारीफ की, अब इनकी एक बुराई करो आप।
जानेदार लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये थे राजा जी और साथ में रंजो जी, बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी थी और बहुत ही प्यारी स्टोरी इन्होंने सुनाई, किस तरह से इनका स्ट्रगल टाइम रहा। राजा जी, अब एंड में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो नए आर्टिस्ट हैं, जो उभरते हुए आर्टिस्ट हैं, जो स्ट्रगल करते आर्टिस्ट हैं, उनके लिए कौन सी बात आप शेयर करेंगे जो आपको लगती है कि मंजिल की ओर ले जाती है? जो स्ट्रगल है या फिर टीवी पे आना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि सफलता आपको तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो नहीं बेले क्या पापड़? पापड़ ने मतलब ये कहाँ बात है। अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कई कई लोग ऐसे होते हैं ना कि निराश हो जाते हैं कि बहुत टाइम हुआ, बहुत स्ट्रगल हुआ, मतलब स्ट्रगल ऊपर वाले की दुआ रही, मेरे साथ इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ, लेकिन जो भी मैंने अपने स्कूल लाइफ में किया स्ट्रगल उसके बाद मतलब हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा बड़ा पीरियड होता है अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को मौका मिलने में, तो कई कई लोग बीच में ही छोड़ देते। तो मैं उसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जितनी भी कठिनाइयाँ हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप प्लीज़ अपनी टैलेंट को मत छोड़िए और अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, उसे पूरा कीजिए, कामयाबी आपकी ज़रूर कदम चुमेगी। वेल ये तो बताया। एक बात कहना चाहूँगा मैं, जो मेरे दिल की काफ़ी करीब है, जो सूरत में आया तो मैं हमारे गुजराती भाई जो हैं या फिर गुजरात में आया तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं जब जैसे कि मैंने कहा कि मैं स्टॉक एक्सचेंज भी मैंने थैंक यू जॉब किया था, तो मेरी माँ मतलब मैं सुन रहे सुन ये मैंने आज तक नहीं बताया है किसी को, लेकिन सूरत में आया तो बताना चाहूँगा। मेरी माँ एक जगह शाम के वक्त काम किया करती थी, मतलब बर्तन धोना ये वो, तो उनका स्टॉक एक्सचेंज में मतलब वो खुद ब्रोकर थे स्टॉक एक्सचेंज में, तो मैंने स्कूल के ज़माने से उनके यहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करता था, फिर उनके यहाँ टिफ़िन पहुँचाना या फिर टिफ़िन पहुँचाने के बाद उनके यहाँ ऑफिस में काम करना। तो वो जो फैमिली थी वो गुजराती फैमिली थी, जसानी ब्रदर्स, दिलीप जसानी, रमेश जसानी, हसमुख जसानी। तो ये जो जसानी जो हैं उन्होंने मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। उनके यहाँ जॉब किया करता था, और एक दिन उस वक्त मैंने जब जॉब शुरू की थी तब डीमैट नया नया आया था और मैं डीमैट का काम देखता था, लेकिन मेरे काम से ज़्यादा वो खुश नहीं थे और मैं भी अपने काम से ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि मुझे मेरी लाइन अलग थी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि राजकुमार रंजो नहीं नहीं मतलब ऐसे गलती से निकल गया राना वतला नहीं नहीं सॉरी राजकुमार तुम और कहीं जॉब देख लो, ये तुम इतने सालों से मैं काम कर रहा था, मतलब मेरी जान पहचान थी, बचपन से मैं उनको जानता था, वो मुझे जानते थे, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ उन्होंने उस वक्त कहा कि राजकुमार तुम और कहीं जगह जॉब देख लो, क्योंकि ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर मैं वो नहीं कहते तो मैं वहीं रहता था, वही मेरी ज़िंदगी होती, वही मेरी सैलरी होती, वही मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था। अगर मतलब कहना ये है कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो दिलीप जसानी, हसमुख जसानी, मैं आप शायद मुझे सुन नहीं रहे हो लेकिन गुजराती फैमिली मुझे सुन रही है, तो मैं सभी गुजराती भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू भाई। ये तो थे राजा जी, पर अब रंजो जी कहेंगे अलविदा। किस तरह रंजो जी, शायरी में आपको तो कहना है, जो भी कहना है, मतलब एक मैसेज जो देना है वो शायरी में देना है। क्या हुआ मैडम, आगे देख रही है? अरे यार मैडम तो यहाँ पर भी है लेकिन टीवी पर भी काफी मैडम है, देख रही है तुझे। शर्माता क्यों है? वो भी देख रही है ना। अरे वो तो मुझे भी देख रही है लेकिन मैं थोड़ी ना शर्मा रहा हूँ। हाँ तो बेशरम है। खैर रंजो, तुम कुछ जाते जाते कहो। हेलो लेडीज। वेरी गुड। हेलो लेडीज, लेडीज के साथ जेंटलमैन भी वहाँ पर, बोलो हेलो जेंटलमैन। हेलो लेडीज, नहीं हेलो लेडीज और जेंटलमैन। लेडीज हाउ आर यू? ओहो तुम देख नहीं रहे हो, लेडीज के साथ जेंटलमैन भी वहां बैठे हुए। हेलो लेडीज, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन थैंक यू, केम छो, मजा आ, बेसी जाओ।
થેન્ક યુ સો મચ રેન્ચો, થેન્ક યુ સો મચ. મિત્રો, આ હતા આપણી સાથે રાજા અને રેન્ચો. ખરેખર મજા આવી. જીવનમાં એમ કહેવાય કે ગાલ લાલ રાખીને પણ હસતા રહેવું, અને કલાકાર માટે તો આવું હોય છે કે વેદના હોય ભીતર પણ તોય બહાર હસતા રહેવું અને લોકોને હસતા રાખવા, એ કંઈ નાની સૂની વાત નથી. અને આવી જ વાત એમણે આપણી સાથે શેર કરી છે. ફરીથી આજ રીતે મળીશું એમને આવા જ કોઈક સરસ મજાના કાર્યક્રમમાં, અને જ્યારે તેઓ સુરત ફરી આવશે ત્યારે ચોક્કસથી એમને ફરી વખત લોચો અને આપણે ફરસાણની મિજબાની એમને કરાવશું. તો ચેનલ સુરત નિહાળતા રહો. કેમેરામેન ડિમ્પલ કુમાર સાથે મિતને આ રીતે નિહાળતા રહો. આવજો. નમસ્કાર દોસ્તો, ચેનલ સુરત પર હું મિત આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે થોડી જ વાર પહેલાં રાજા રેન્ચો સાથે વાત કરી અને એમની મુલાકાત નિહાળી, અને મુલાકાત નિહાળ્યા બાદ હવે બીજા ચાર ધુરંધરોને મળવા માટે આપણે સૌ તૈયાર થઈ જઈએ. એ ચારે ચાર ધુરંધરો પોતાની રીતે જોવા જઈએ તો પોતાના માટે તો આઇડલ છે જ, પણ આપણા માટે પણ એટલા જ મોટા આદર્શ છે. કારણ કે જ્યારે યંગસ્ટર હોઈએ અને આખો જુવાળ જુસ્સો આપણી અંદર ભર્યો હોય, અને એને કયા રસ્તે વાળવો જેથી કરીને યોગ્ય રસ્તે જ પહોંચે, યોગ્ય મંજિલ પર જ પહોંચે, એ નક્કી કરવાની ક્ષણ હોય, ને ત્યારે જે લોકો ખરો નિર્ણય લે છે તે લોકો સ્ટાર બનતા હોય છે. એવા ચાર સ્ટાર આપણી સાથે છે. સૌપ્રથમ કમલેશભાઈથી આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. કમલેશભાઈ, મારે ખાસ તો એ જાણવું છે કે મને એક નાની પણ સરસ મજાની તમારી સ્ટ્રગલ પીરિયડની સ્ટોરી કહેશો, કે કઈ રીતે તમે કલાકાર બન્યા, કઈ રીતે તમે આ સ્ટેજ પર પહોંચ્યા. હાય, મેં છું કમલેશ પટેલ. આપ લોકોએ મને ડાન્સ રેનાન્સમાં દેખ્યો હશે, અને ડાન્સ રેનાન્સ લેવલ સુધી જેવું મેં પહોંચ્યો હોય તો મેં મારી લાઈફમાં ઘણી બધી સ્ટ્રગલ કરી છે. જેવી રીતે હું પાદરા ગામમાં રહેતો હતો ત્યાંથી હું ટ્રાયસિકલ લઈને બરોડા શહેરમાં આવતો હતો. મારા ડાન્સ ક્લાસ બરોડામાં હતા, ત્યાંથી હું ટ્રાયસિકલ લઈને ત્યાંથી જર્ની કરીને હું બરોડા ડાન્સ ક્લાસમાં જતો હતો. ત્યાં કરીબન રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી પ્રેક્ટિસની રિયાઝ કરતો હતો, અને તે પછી વચમાં હું થોડી હિંમત પણ હારી ગયેલો. અને મને લાઈફમાં કંઈક ડિફરન્ટ આપવું હતું, અને મારે કંઈક દેખાડવું હતું સમાજને કે નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. અગર માણસની અંદર વિલ પાવર હોય તો બધું થઈ શકે છે. અને મેં મારી લાઈફમાં સ્ટ્રગલ ઘણી બધી કરી, અને આખરે મને મારા પર કોન્ફિડન્સ હતો. અગર માણસે લાઈફમાં સક્સેસ થવું હોય તો પોતાના પર કોન્ફિડન્સ હોવો જરૂરી છે, અને મને મારામાં કોન્ફિડન્સ હતો કે હું આ લેવલ સુધી પહોંચીશ. અને ફાઇનલી હું એ લેવલ સુધી પહોંચ્યો, અને એક સમાજ માટે એક ઇન્સ્પિરેશન બન્યો કે આજકાલ આપણે જો મેન્ટલી ફિટ હોય તો બધું થઈ શકે છે. લોકો કહે છે કે ફિઝિકલી ડિસેબલ, મેં પોતાની જાતને ક્યારે હું ડિસેબલ નથી માનતો. મેં માનું છું કે આઈ એમ અ ડિફરન્ટ એબલ. અગર તમારામાં વિલ પર હોય તો બધું થઈ શકે છે. અને સૌથી વધારે જો મને ફીડબેક સારું જો મળ્યું હોય તો ડાન્સ રેનાસમાં આવ્યા પછી, અને લેટેસ્ટમાં કે અમે એક આકાશ જાદુ સાથે સુરત ન્યૂઝ ચેનલ સાથે મળીને એક ઇવેન્ટ થઈ રહ્યો છે એ ડિસેબલ માટે, અને એક ઇવેન્ટ એક લોકો માટે પ્રેરણારૂપ સાબિત થયો છે. અને એમાં સારા બોમ્બેથી એવા સેલિબ્રિટીઝ આવેલા છે, સિદ્ધેશ છે, સ્વમિતાજી છે, તરણ છે, રાજા રેન્ચો છે, કે સ્પેશિયલી અમારા જેવા ડિસેબલ લોકોને એક પ્રેરણારૂપ સાબિત થાય એના માટે અહીંયા આવેલા છે. અને હું થેન્ક્સ કે આકાશ જાજુને કે આવો મોટિવેશનલ કોન્સેપ્ટ લઈને સુરતમાં આવેલા છે અને પ્રેઝન્ટ કરે છે, એના માટે થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ કમલેશભાઈએ પોતાના વિલ પાવરની વાત કરી કે વિલ પાવર હોય તો તમે ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ બહાર નીકળી શકો ગમે તેવી સ્થિતિમાંથી. વેલ, વિલ પાવર કો લેકર અબ સિદ્ધેશજી સે હમ બાત કરતે હૈ. સિદ્ધેશજી, આપકા વિલ પાવર આપકો કૈસે કામ આયા હૈ જો સ્ટ્રગલ લાઈફ થી ઉસસે બહાર નિકલ કે સ્ટાર બનને તક? વિલ પાવર તો હર ઇન્સાન મેં હોતી ઓર ઉસકો સિર્ફ જાગૃત હોને કે લિયે ટાઈમ લગતા. પોણે ચાર સાલ કા થા તબ સે મેં ડાન્સ કર રહા હું ઓર પ્રોફેશનલી કર રહા હું. મોમ ડેડ ને બહુ સ્ટ્રગલ કિયા, એક ઓર્કેસ્ટ્રા તબ ચલતે થે, ઓર વો સ્ટેજ પર પહોંચને કે લિયે મેરે ડેડ ને બહુ મિન્નતે માંગે, વિનંતી કી સ્ટેજ કે પીછે દો દો તીન દિન ઘંટે ખડા થા કે મુજે એક ચાન્સ દેતો મુજે પરફોર્મ કરને કે લિયે. તો મિત્ર મંડળ સે સ્ટાર્ટ કિયા, આજ ઇધર હું ઇન્ડસ્ટ્રી મેં આયા, ઇન્ડસ્ટ્રી કો જાના પહેચાના, ફિર ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ આયા. મેરે દોસ્તોને મુજે બોલા ચલ ના જાકે તું દે દે ઓડિશન, ક્યોંકિ યે સોલો હૈ, સોલો ડાન્સિંગ હૈ, ગ્રુપ નહીં હૈ, કુછ નહીં હૈ, તુજે જો કરના હૈ વો સોલો મેં તું બહુત અચ્છા કરતા હૈ,
वो हमको जानते हैं, तो तू चला जा। पर मेरे टीवी पर आने का मकसद यही था कि मेरे मॉम डैड को बताने के लिए, क्योंकि जैसे मैं बड़ा होते गया तो मेरी मम्मी और मेरे डैडी हमेशा मेरे से झगड़ा करते थे, और तू हमेशा लोगों के बारे में बोलता रहता है, तू तो खुद करता नहीं है, टीवी पर लोग तेरे पीछे वाले जो मेरे जूनियर्स थे मेरे आगे बढ़ गए, सीनियर्स हो गए, तू तो घर में ऐसे बोलते रहता है टीवी को देख के। तो मैंने मॉम डैड को ये बोला, जिस दिन आऊँगा तो दुनिया देखेगी और दुनिया झूमेगी मेरे तालों पर। और यही है, डांस इन द डांस में आया, गीता माँ के ग्रुप में आया, फाइनलिस्ट बन गया, फिर उसके बाद बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी किए, फिर एक खलास डांस एक चांस एक मी मराठी चैनल पे एक शो आया था, सेम डांस इन द डांस पर मराठी में था, उसमें जज था, मेंटोर था, फिर वो जीता, मेरे दो बच्चे जीते उसमें मेरे कंटेस्टेंट। अब एक मूवी कर रहा हूँ, उसमें मेन कैरेक्टर है, मेरा लीड रोल है, 17 साल का लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसके लिए भी फ़िलहाल गंदी शक्ल में हूँ। और इसके बाद मैं एक मूवी कर रहा हूँ, वो है आई एम पॉसिबल, वो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी खुद की स्क्रिप्ट है, इसमें अंकुश मेहता जो है वो क्रिएटिव है, उसमें इज़ डूइंग माई प्रोडक्शन थिंग ऑल्सो, और इसमें एक सॉलिड बंदा है जिससे मैंने दो दिन पहले बात की, वो है कमलेश पटेल, बिकॉज येस द विल पावर, जैसे उन्होंने पहली एक लाइन ही बोली, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जस्ट से आई एम पॉसिबल। तो और आज का मकसद यही है मेरा आने का यहाँ सूरत में, कि डिसेबल लोगों के लिए, मैं तो कहता हूँ कि अगर कमलेश भाई भगवान ने उनको दो चीज़ें छीन ली तो एक ऐसी चीज़ दे दी जो हमारे से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये शख्स ऐसा परफॉर्म कर सकता है, अगर हमारे जैसे उनके पास एक फिज़िकल बॉडी होती प्रॉपर, तो वो क्या करते, तो हमको क्या करना चाहिए, अगर ये बंदा और ऐसे लोग परफॉर्म करते तो हमको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए और हमको क्या देना चाहिए लोगों को। तो मैंने मेरे लाइफ में एक समझ लिया कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, और मुझे कैसे न्यू टैलेंट को, अच्छे टैलेंट को, जो टैलेंट को एक्सप्लॉइट होते हैं, उनको बचाना और उनको काम देना, ये मेरी ज़िंदगी है। थैंक यू। ये थे सिद्धेश जी। सिद्धेश जी ने बहुत खूब बताया, जनरली स्टार बनिया पछी नो स्टेज छे ते बहु अघरो होय छे, स्टार बनी जाओ पछी शू, पछी काम धंधो होवो जोईए, पछी काम मळवू जोईए, अने पछी जो तमारी पासे काम न होय अने जो तमे सस्टेन नहीं रहो तो इंडस्ट्रीमां भलभला लोको चवाईने फेंकाई गया, कोईने खबर ही नथी पड़ी कि आ आर्टिस्ट क्यां उग्यो तो अने क्यां ए करमाईने सुकाई पण गयो। वेल हवे मळीए एक मुंडा पंजाबी तडे नैन शराबी, બરાબર, જેમને ડાન્સમાં તમે જોયા હશે કે ભાઈ આટલી હેવી બોડી, મસ્ક્યુલર બોડી અને એમાં પાછું ડાન્સ કરવું, જનરલી એવી એક માન્યતા છે કે સ્લિમ બોડી હોય એ લોકો બહુ સારી મૂવમેન્ટ કરી શકતા હોય, પણ કરણે એવી જે એક પેલી બિલીફ છે, માન્યતા છે, એને તોડી છે। તો કરણને ગુજરાતી પણ ફાવે છે, હિન્દી પણ ફાવે છે, એટલે કરણ આપણે ગુજહીમાં ચાલશું, બરાબર, તો ગુજહીમાં વાતો કરશું। કરણ આપકે બાબત બતાઈએ, આપ બેઝિકલી પંજાબ સે હૈ, તો આપકો મુંબઈ કે ચસ્કા કેસે લગા? पहली बात तो नमस्ते गुजरात, मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले बड़ौदा आनंद आके गया हूँ और आनंद में आके मुझे बहुत आनंद मिला था, अब मुझे फिर से एक चांस मिला है सूरत में आने का, थैंक यू आकाश जज्जू। और दूसरी बात, मैं पंजाब से नहीं हूँ, मैं मुंबई से ही हूँ, मेरी पैदाइश मुंबई की है, मैं हूँ पंजाबी। और आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं, बस ये बताइए कि डांस का चस्का आपको कैसे लगा और किस तरह से ये आपको स्टेज पर लेके गया? बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो यही इंडस्ट्रीज़ है, मेरे डैड एक एक्शन डायरेक्टर है मूवीज़ में, और बचपन से उनका ख्वाब था कि मैं एक एक्टर बनूं, तो उन्होंने मेरे को बचपन से ही फाइट्स में ट्रेनिंग दी है, और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक अच्छा डांसर भी बनूं, और बट वो चाहते थे बहुत सारी चीज़ें मैं करूँ, मेरे को कभी कंप्यूटर्स में डाला, इसमें डाला, बट मैं हर चीज़ आदि में छोड़ के आ जाता था। एंड देन फाइनली उनको प्रूव करने के लिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही थोड़े पैसे जमा करूं, और मुझे पता चला कि टेरेंस सर की क्लासेस चलती है मुंबई में, तो मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन की, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एक स्कॉलरशिप दी 3 इयर्स की। उसमें भी एक स्ट्रगल पीरियड था कि हमें ऑडिशंस पास करने थे उनके स्कॉलरशिप के लिए, तो वो 3 साल उनके साथ काम किया। DID जो फर्स्ट सीज़न था उसमें मैं बैक डांसर था, मैं आई थिंक सिद्धेश के पीछे भी डांस किया हूँ और जय के पीछे भी डांस किया हूँ, बट पहले पीछे नाचता था। सो
आज हम सब आपके पीछे हैं। ओके। फिर डांस इंडिया डांस का जब वो सीज़न ख़त्म हुआ, हम सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो हम चाहकर भी वो नहीं कर सकते थे। देन आई गॉट अ चांस टू ऑडिशन फॉर जस्ट डांस, पर DID के लिए मैंने प्रिपेयर किया, बट मेरा दिल नहीं माना। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना है, तो मैंने वो नहीं किया। देन आई गॉट अ चांस फॉर जस्ट डांस, तो मैंने जस्ट डांस किया, मैं थर्ड आया, फाइनलिस्ट बना। बट हर स्टेज बहुत लंबी स्टोरी है, हर स्टेज पे एक स्ट्रगल पीरियड होता था, हर एपिसोड एक स्ट्रगल पीरियड होता था। एंड सबसे बड़ी बात है कि हर आर्टिस्ट के पीछे एक स्ट्रगल पीरियड होता है, एक स्टोरी होती है। एंड छोटी स्टोरी बताइए, एक छोटी, बहुत ही स्ट्रगल पीरियड। एक आदमी हर, जैसे कमलेश भाई ने बताया कि विल पावर से आदमी जो चाहता है वो शायद एक हद तक अचीव करता है, लेकिन उसके बाद क्या, जो हर एक आर्टिस्ट का जो पीरियड चालू होता है, किसी किसी का पहले होता है एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक, किसी किसी का ही अचीव समथिंग और उसके बाद एक स्ट्रगल पीरियड चालू होता है जस्ट टू मेंटेन इट। तो वो मेंटेनेंस बोलते हैं, गाड़ी खरीद लो महंगी वाली, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप कह सकते हो कि उसको मेंटेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यू हैव टू कीप गोइंग। एंड सेकेंडली, जैसे आप बोलते हो हर किसी का एक आइडल होता है, एक होना चाहिए। आप, मैं भी किसी को फॉलो करता हूँ, कमलेश भाई है, ही इज़ अ वेरी गुड पावर हाउस ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन उनको देखकर मिलती है, उनके परफॉर्मेंस से मिलती है। एंड यू नो लाइक बहुत सारी चीज़ें जो एक स्ट्रगल पीरियड में जाती है, अभी मैं वो कहानी बनाने सुनाने जाऊँगा और तो बहुत लंबा हो जाएगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। बट Yes, every artist has a struggle period and I think he should just keep on doing it. Karte rehna chahiye ane aage sudhi tak badhwanu chahiye and whatever, something like that. So thank you Karan, thank you so much. Gujru aur Hindi aapne dono achhi tarah cover kiye and maine wahi baat kahi ki star to hum ban jate hain, but star ke baad ka jo maintain karne ka jo kissa hota hai wo bahut difficult hota hai. Shomita is bare mein kuch batayenge ki Shomita aap star to ban gaye, ab kya? Maine kabhi socha nahi tha ki main life mein, matlab जहाँ भी हूँ अभी उधर पहुँचूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम से, मतलब मेरे घर से सिर्फ मेरी मम्मी थी और कोई नहीं थी सपोर्ट करने के लिए। और जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा गुजर गई थी, और उसी टाइम से मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करते हुए आए और पापा के घर से, मतलब ऐसे जैसा होता है नॉर्मली। और आज जो भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, जितना भी डांस थोड़ी बहुत करती हूँ, वो मम्मी की वजह से करती हूँ, क्योंकि हर किसी के लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। मैंने भी स्ट्रगल किया है, और प्योर क्लासिकल डांसर होके अलग अलग डांस स्टाइल सीखना बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो इधर आके बहुत कुछ सीखी हूँ, और सच्ची में, और बॉम्बे में आके, जस्ट डांस में आके अलग अलग स्टाइल सीखा हूँ, तभी मुझे फील होता है ऐसे। पहले मैं, सब लोग मुझे बोलते थे वो क्लासिकल डांसर है, तो रियलिटी शो में जाएगा, फर्स्ट एपिसोड में आ जाएगा, मतलब आउट हो जाएगा, ऐसा ऐसा। लेकिन सच्ची में ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ले के इतने बड़े वर्ल्ड का शो है जस्ट डांस, और उधर मैं टॉप 5 में आई हूँ, और सब लड़कियों में से मैं लास्ट टाइम तक टिकी थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, शायद मतलब ऑडियंस या जिन दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों का आशीर्वाद या मम्मी के आशीर्वाद की मतलब सिवाय मैं ये नहीं कर पाती। तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात, आज तो बहुत खुश हूँ मैं इधर आके, क्योंकि आई वॉन्ट थैंक्स कमलेश भाई, क्योंकि उन लोगों से हम लोग को इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि उन लोगों के पास, मतलब ऐसा हम लोग के पास है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कि आज कमलेश भाई जो कर रहे हैं। तो अभी स्पीचलेस हूँ, कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इस बीच में, क्योंकि जो भी है कोशिश करते रहिए, मतलब थैंक यू सो मच। और बहुत खुश हूँ सूरत आके, सॉरी मैं बंगाली हूँ तो मेरा बहुत प्रॉब्लम है हिंदी में। तो जो भी है, आज कमलेश भाई के साथ शो कर रही हूँ, तो सिद्धेश भैया भी है इधर, करण भी है, सब लोग एक साथ मिलकर शो कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की चीज़ है। और इतने सारे बच्चों के सामने ये शो कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू।
थैंक यू शोमिता, थैंक यू सो मच। सुराट को आपने बहुत ही भालो तरीके से बोला। वेल दोस्तों, आ एक आ तो मात्र एक नानी नानी वार्ताओ है, आवी घणी बधी वार्ताओ अमे लईने आवशुं तमारा माटे के जेमांथी तमने कंईक नवुं शीखवा मळशे, नवुं जाणवा मळशे। आर्टिस्ट बनवुं, कलाकार बनवुं एक कंईक खावाना खेल नथी, पण ज्यारे तमे ए बनो छो त्यारे केवी रीते एमां जीवन जीववुं ए पण तमने आ स्टोरीओमांथी शीखवा मळशे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चेनल सूरत वती डिम्पल कुमार कैमरामेन तरीके અને મીતને આજ રીતે નિહાળતા રહો ચેનલ સુરત પર, આવજો। થેન્ક યુ।